रेलवे पुलिस फोर्स RAF। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेल और फीमेल इसमें एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत में कहीं से भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, आज जिस रिक्रूटमेंट की हम बात करना चाह रहे हैं RPF नई भर्ती 2022 के बारे में, इसकी डिटेल, इसकी नोटिफिकेशन एंड इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में या फिर jobinformation.co.in पर। अपने 10वीं पास करके तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट्स में एलिजिबल रहेंगे। जो इसमें पोस्ट दी गई है 9000 इसमें पोस्ट दी गई है। ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत में कहीं से भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से ही केवल इसमें आवेदन फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन एंड रीड आउट की। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली ऑल अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो, नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो, इसकी डिटेल को चेक करना चाहते हो, इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में गूगल में सर्च करना होगा या टाइप करना होगा jobinformation.co.in। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर आकर विजिट करके इसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। RPF कांस्टेबल भर्ती 2022। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पर आकर इन्हें फॉलो कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 9000 इसमें पोस्ट दी गई है। पोस्ट नेम जो होगा इसमें कांस्टेबल का पोस्ट नेम है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से ही केवल आप इसमें आवेदन फिल कर सकते हो। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया जॉब है, मेल और फीमेल इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे फास्ट अपडेट आपके मिलता है। टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहती है। फाइंड न्यू मोर न्यू वैकेंसीज देखिएगा फ्रेंड्स। आरआरसी रेलवे अप्रेंटिस है, SBI रिक्रूटमेंट है, CETT ऑनलाइन फॉर्म है, इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट है, असम राइफल ट्रेड्समैन है और साउथर्न रेलवे रिक्रूटमेंट है। फ्रेंड्स, इन भर्ती की मोर डिटेल भी आके हमारी वेबसाइट से jobinformation.co.in से ले सकते हो। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया रहेगा। पे स्केल की बात करें, 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक का आपका इसमें पे स्केल रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये से फीस दी गई है। एज लिमिट की बात करें, 18 साल से लेकर 25 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। जो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी, 1 जनवरी 2022 से, ना तो आपकी आयु 18 से कम हो ना ही 25 से ज़्यादा हो। देखिएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 18 साल से लेकर 28 साल तक इसमें आवेदन फिल कर सकते हो। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 18 साल से लेकर 30 वर्ष तक आप इसमें आवेदन फिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी, OBC के लिए 3 साल की इसमें छूट दी गई है। देखिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, हाइट की मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिएगी। ऑल नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट इसमें चाहिएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता आप नॉर्थ इंडिया जोन में आते हो या नहीं आते हो, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम कमेंट्स में लिख के बताएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा आप कौन से जोन में आते हो। इसमें चेस्ट की बात करें, देखिएगा, जनरल OBC ST के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, ST कैंडिडेट के लिए 70 से 82 सेंटीमीटर की इसमें चेस्ट होनी चाहिए। इसमें रनिंग टेस्ट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी आपको इसमें, यानी कि 1.6 किलोमीटर की, वो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। मेल कैंडिडेट के लिए जंप देखिएगा, हाई जंप जो लगाना होगा 4 फीट का होगा, लॉन्ग जंप जो होगा 14 फीट का होगा। रनिंग देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग लगानी होगी, 800 मीटर की आपको 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के जंप्स देखिएगा फ्रेंड्स, 3 फीट का जंप होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, लॉन्ग जंप जो होगा 9 फीट का होगा इसमें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और हमारी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है। देखिएगा ऑनलाइन रिक्वायरमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे जो इसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि जो इसमें डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म के साथ लगाने होंगे वो देखिए कि क्या क्या चाहिए। फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, फोटो का लाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपने 8वीं का हो या 10वीं का हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। IT प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, दोनों में से हो कोई से भी लगा सकते हो।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने 10वीं पास कर रखा कोई से भी बोर्ड से, तो भी आप इस भर्ती में एलिजिबल रहेंगे। फ्रेंड्स, मोर डिटेल के लिए आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा, पीएसटी भी होगा और पीईटी भी होगा, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट भी होगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हो हिंदी में, तो यहाँ पे क्लिक करके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे डे बाय डे पे क्वेश्चन अपडेट होते हैं, यहाँ से आप रीड कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो एंड पीडीएफ भी यहाँ से मंथली एंड वीकली वाइज पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिएगा, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखिएगा इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, रिटन एग्जाम होगा, एक घंटा 30 मिनट का रिटन एग्जाम होगा। इसमें सब्जेक्ट देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो और मार्क्स देख सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस के आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। मोर लिंक्स, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो। हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, इसकी न्यूज कटिंग देखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके भी इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हो हिंदी में, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हो आरपीएफ की, तो यहाँ पे क्लिक करके आरपीएफ की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। फ्रेंड्स, अदर गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब भी आप यहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है, कैसे इसमें आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे का नोटिफिकेशन देखना है, कैसे इसकी न्यूज कटिंग देखनी है। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, शायद आपको पसंद आई होगी और आप चाहते हो लगातार ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।